सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूं। जिज्ञासा यह आई है कि क्या कल्पना करने से सफलता मिलती है? बहुत लोग कहते हैं ऐसा संभव है। पहली बात यह समझिए कि किसी भी कर्म को करने के पहले कोई न कोई विचार योजना बनानी पड़ती है, यानी हमारा मन उसकी रूपरेखा तैयार करता है और जो रूपरेखा तैयार करता है उसके पीछे उसका कुछ आधार होता है, बैकग्राउंड होता है, उसकी अपनी एक समझ होती है। जिस चीज के प्रति वह करता है तो उसकी वह कुछ समझ रखता है और उसका कुछ आकलन होता है, उसके पास कुछ डेटा होता है पहले की, कुछ सांख्यिकी है, कुछ उसका आधार है। फिर अपने सामर्थ्य को आंकता है, अपने शारीरिक सामर्थ्य को, आयु के सामर्थ्य को, अपने परिवार के सामर्थ्य को, अपनी बौद्धिक सामर्थ्य को, हर चीज को वह आंकता है। और आंकने के बाद योजना बनाता है, तब वह कर्म करता है। यानी कर्म करने के पहले तो योजना बनानी पड़ती है। तो यह जो योजना है यह भी एक कल्पना ही है, परंतु क्योंकि यह तर्कसंगत होता है और बहुत कुछ व्यावहारिक होता है और बहुत कैलकुलेशन के साथ होता है, इसमें अपनी क्षमता को देखना, समझना और अपने रिलेशंस को तलाशना, उस देश प्रदेश के कानून को देखना, समाज को देखना, परिवार को देखना, आर्थिक दशा को देखना, अपनी हर तरह की दशा को देखने के बाद, अपनी शारीरिक दशा को, अपने स्वास्थ्य को, सब कुछ देखते हुए तब व्यक्ति एक व्यावहारिक योजना बनाता है। तो इसे अमूमन लोग कल्पना नहीं कहते हैं, इसे योजना कहते हैं। हालांकि है यह भी कल्पना ही, क्योंकि उसने जितनी योजना बनाए रखी है, जिसको वह योजना कह रहा है, कल्पना नहीं कह रहा है, वह भी मन से ही बनाई गई है। और उसने बहुत सारे चीजों की गणना तो की है, लेकिन सारे चीजों की गणना नहीं कर सकता। और जब सारी चीजों की गणना नहीं कर सकता तो कोई जरूरी नहीं है कि वह उसमें सफल होगा। इसीलिए सफलता आपके हाथ में नहीं है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो तुम अपना कर्म किए जाओ और कर्म फल की कामना मत करो। कर्म फल तो ईश्वर के हाथ में है। तो कामना मत करो का मतलब यह नहीं है कि योजना मत बनाओ। योजना बनाओ, फल की भी योजना बनाओ, उस फल को प्राप्त करने की रूपरेखा भी तैयार करो, रास्ते भी बनाओ, लेकिन यह मत सोचो कि उसको तुम 100% प्राप्त ही कर लोगे, क्योंकि वह तेरे हाथ में नहीं है, वह परमात्मा के हाथ में, यानी इस अनंत अस्तित्व के हाथ में है। यह जो अनंत अस्तित्व है जिसमें अनंत कारक हैं, उन सब की जब सहमति इच्छा होगी, उसका मिश्रित क्रिया प्रक्रिया का परिणाम जो है, तो वही तुमको मिलेगा। तो इसलिए ये जो योजना है वह अभी कल्पना ही है, लेकिन एक बेहतर कल्पना है, एक व्यवहारिक कल्पना है, और उस कल्पना के फलीभूत होने के चांस ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एक वह कल्पना है जो अपने सामर्थ्य को बिना ध्यान में रखे हुए, सिर्फ अपनी इच्छा को रख के, एक सामर्थ्य है, एक इच्छा है। अगर आपकी कुछ इच्छा ऐसी है जिसके लिए आप में सामर्थ्य अभी नहीं है, या आप उस तरह के सामर्थ्य को विकसित नहीं कर रहे हैं, उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रतिभा विकसित नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ आपने इच्छा रख रखी है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वह बन जाऊं, मैं यह बन जाऊं, और उसके लिए आपने कोई सामर्थ्य नहीं विकसित किया, उसके लिए आपने अपने आर्थिक स्थिति का सुधार किया, न दशा देखी, न परिवार की दशा देखी, न उस देश प्रदेश के नियम कानून को देखा आपने, न समाज को देखा, न कुछ, बस आपकी चूंकि इच्छा है तो आपने गढ़ लिया मन में कि काश में ये हो जाता, तो ऐसा काश आपने सोच लिया, लेकिन उस काश के पीछे आपका कोई आधार नहीं है, आपने एक वो प्रोग्राम नहीं बनाया, सही योजना नहीं बनाई, बस आप एक दिवा स्वप्न में चले गए, कल्पना लोक में चले गए, अर्थात आपने बिना आधार के मार खड़ा करने की कोशिश कर ली, बल्कि कोशिश भी नहीं की, बस सिर्फ आप उसी में ख्यालों में ही जी रहे हैं बस, और उस ख्याल के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई व्यवहारिक नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बस वह एक इच्छा मात्र है, काश मुझे ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश में धनी हो जाता, काश में इस पद को पा जाता, काश मैं प्रधानमंत्री हो जाता, काश मैं IAS बन जाता, काश मैं कलाकार बन जाता, काश मैं गायक बन जाता, काश मैं डांसर बन जाता, काश मैं एक सेलिब्रिटी होता, तो इस तरह के काश मैं वैज्ञानिक होता, बहुत सारे काश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की, कोई त्याग तपस्या नहीं की, कोई वो नहीं की, तो वह एक कोरी कल्पना है, उसके फलीभूत होने के चांसेस लगभग 0% है, जीरो नहीं भी है तो लगभग जीरो है, बहुत ही अचंभा ही हो जाए ऐसा, पूरा अस्तित्व ही ऐसा चाह दे है तो बात दूसरी है, क्योंकि जो कल्पना करने वाला भी व्यक्ति है उसमें भी अधिकतर प्रतिशत तो ऐसे हैं जो जानते हैं कि भाई हमारे में वो क्षमता नहीं है, मैं वो कर नहीं सकता, लेकिन वो मन में ही लड्डू बना के उसको खा के मुस्कुराना चाहता है, स्वाद लेना चाहता है, तो ले सकता है, मन की बात मन ही में रही, तो मन से तो आप कुछ भी बना करके मन में ही उसका स्वाद ले सकते हैं, तो मनोगत दुनिया में आप रह सकते हैं, तो मनोगत दुनिया में जब आप रहते हैं तो आप अपने को एंजॉय कर सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, शेख चिल्ली के सपने देख सकते हैं, लेकिन उसका फलीभूत होना व्यवहार में सभी के लिए तो संभव नहीं है, आप चूंकि उसको एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए अपने आत्म खुशी करने के लिए तो ठीक है, आप अपना मन का महल बना करके उसको आप उसका सुख ले सकते हैं, लेकिन अन्य उसको फलीभूत होता हुआ नहीं देखेंगे, व्यवहारिक स्तर पर यानी पदार्थ के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर, वह सिर्फ आपकी मानसिक शक्ति होगी जो आपके मन में ही फलीभूत होगी, क्योंकि उसका आधार नहीं है, तर्क संगत नहीं है, वह उसको प्राप्त करने का या उसको भोगने का तर्क संगत नहीं है, इसलिए वह फलीभूत नहीं होता लगभग। बहुत लोग गरीब रह जाते हैं, बहुत लोगों के घर नहीं बनते हैं, बहुत लोग कुछ पद नहीं पा पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो पूरी रूपरेखा नहीं बना पाते हैं, हर चीज की आपको रूपरेखा बनानी पड़ती है, जिस चीज को आप चाहते हैं उसकी, उसको प्राप्त करने के तरीके की, अन्य से कैसे सहयोग ले सकते हैं उसकी, कैसे कैसे जो कानून है उसका किस तरह से आप उपयोग करेंगे उसकी, या कुछ लोग दुरुपयोग करेंगे उसकी भी तो हर तरह की जो संभावनाएं हैं उसको आप भरते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, और योजना बनाने के बाद उस पर आप काम करते हैं, अपनी वह शक्ति विकसित करते हैं, तब वह फलीभूत होती है। तो हालांकि वे भी कल्पनाएं होती हैं, फिजिक्स में एक नियम है कि एक प्रयोग किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है, या फोटोन का भी यानी प्रकाश की तरंगों का, या विद्युत के जो कण है इलेक्ट्रॉन उसका, कि वो तरंगों के रूप में भी है और कण के रूप में भी है,
कण का मतलब हो गया पार्टिकल के रूप में, अर्थात वह पदार्थ भी है और तरंग ऊर्जा में भी, ये दोनों ही नेचर उसमें है, दोनों ही व्यवहार है। तो उसमें यह पाया गया कि जब सामान्य स्थिति है तो इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में है और प्रकाश किरणें तरंग के रूप में, फोटॉन्स जो है वो तरंग के रूप में वेव में है। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया, जब उसको देखा जाता है जिस समय, तो वे क्या होते हैं, वे कण के रूप में हो जाते हैं, वे कण जैसा व्यवहार करते हैं, ठोस। तो यहां पर जो है इसका एप्लीकेशन जो है हमारे मन में भी आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को ध्यान दिया काफी, और वे इसी को समझे कि जब हम किसी पर कहीं फोकस करते हैं तो वह मेटेरियलाइज होने लगता है, वह वहां पर सुगठित होने लगता है, वह वहां पर फलीभूत होने लगता है। तो त्राटक की सारी जो है ना, त्राटक और ध्यान का सारा सिस्टम और धारणा का सारा सिस्टम ही यही है। इसीलिए त्राटक बताया जाता है, एक जगह फोकस करने के लिए बताया जाता है। तो जब हम फोकस करते हैं तो कोई कल्पना करके फोकस करते हैं, तो कल्पना करने का मतलब हो गया कि कोई चित्र का हम फोकस करते हैं, कोई शब्द का करेंगे, कोई गंध का करेंगे, कोई स्वाद का करेंगे, कोई स्पर्श का करेंगे। ये हमारी जो इंद्रियां हैं वह, हमारा मन है वह, तो हम इनका फोकस करते हैं। जब हम इनका फोकस करते हैं तो आपको जो बनना है उसका आप फोकस करते हैं, उसका चित्रण करते हैं, कैसे बनना है, क्या बनना है, बनेंगे तो कैसे होंगे, तो बनेंगे तो कैसे होंगे, तो सब सोचता है मेरे पास नोट आएगा तो हम क्या क्या करेंगे। लेकिन नोट आएगा कैसे, उसकी कल्पना कौन करेगा, उसकी योजना कौन बनाएगा, उसका आश्रय क्या होगा, उसकी शक्ति कैसे विकसित होगी, आपको उसकी भी कल्पना करते। तो जब आप इसकी भी कल्पना करते हैं तो वो क्या मेटरलाइज होने लगता है, वो फलीभूत होने लगता है, आप में शक्ति जागृत होने लगती है। तो कल्पना करके आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं, बस यह है कि सिर्फ आप फल पर ध्यान नहीं दे करके उसके कर्म पर भी ध्यान दें, यानी सिर्फ फल पर नहीं, कर्म फल पर नहीं, बल्कि कर्मों पर भी ध्यान देंगे, उसके रास्ते पर भी ध्यान देंगे, सिर्फ मंजिल पर नहीं रास्ते पर भी ध्यान देंगे, और अपनी शक्ति पर भी ध्यान देंगे। एक पाथ है, एक जो चलने वाला पथिक है, और एक मंजिल है। इस तीनों के लिए योजना बनाएंगे, तीनों के लिए कल्पना करेंगे, तीनों के लिए विचार करेंगे, साथ में और जो सहयोगी हैं या बाधक हैं उन पर भी विचार करेंगे कि हमारे इसमें कौन कौन बाधक हो सकते हैं, हमारे रास्ते में अड़ंगा कौन अड़ा सकते हैं, कौन कौन हमारा खेल बिगाड़ सकते हैं, उन पर भी ध्यान देंगे, उनके लिए भी योजना बनाएंगे, उनके लिए भी आप कल्पना करेंगे, तब जाकर के फलीभूत होता है। तो कल्पना से ही होता है, लेकिन आपको बेहतर कल्पना करनी है। आपको घर बनाना है तो घर का नक्शा तो आप बनाएंगे ना पहले, अच्छा खिड़की कहाँ रहेगी, दरवाजे कहाँ रहेंगे, मिस्त्री कौन रहेगा, मटेरियल कौन रहेगा, किस कंपनी का रहेगा, कौन बेहतर होगा, आपके बजट में कौन है, सब कुछ कल्पना आप करते हैं ना, पहले योजना बनाते हैं, तब जाकर के वो फलीभूत होता है। तो पहले तो मन में ही कल्पना करनी पड़ती है, कल्पना तो होती ही होती है, बिना कल्पना के आप कर्म नहीं कर सकते, बिना कल्पना के क्रिया तो हो सकती है, कर्म नहीं। क्रिया का मतलब हो गया जैसे दिल धड़कता है, वो क्रिया है, उसमें आप कल्पना नहीं भी करेंगे तो दिल धड़केगा, भूख लगनी है आप कल्पना नहीं करेंगे तो भी भूख लग जाएगी, सांस चलनी है कल्पना नहीं करेंगे तो भी सांस चलेगी, तो ये क्रियाएं हैं। लेकिन जो कर्म होगा उसके लिए आपके लिए कल्पना जरूरी है, विचार जरूरी है, योजनाएं जरूरी है। तो सारी योजना कल्पनाएं ही है, बस आपको हर तरह की कल्पना कर लेनी है, सिर्फ उसके फल की कल्पना नहीं करनी है, उसके रास्ते की भी, उसके बाधकों की भी, उसके सहायकों की भी, देश कानून की भी, अपने सामर्थ्य की भी, अपने सहयोगियों के सामर्थ्य की भी, हर तरह की कल्पना आपको करनी है, तब आपका प्रारूप पूरा तैयार होता है और वह जो है आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको मैंने हर तरीके से समझाने का प्रयास कर दिया है। अब आप अपने सफलता की सीढ़ी के लिए जो है पूरी कल्पना अच्छा से कीजिए, ढंग से योजना बनाइए, और तब आप निश्चित ही उस ओर चलेंगे। तो
कल्पना जितनी आपकी साकार होगी, प्रगाढ़ होगी, उतना ही फल आपका साकार हो जाएगा, उतना ही आपने जो इच्छाएं की हैं वह आपकी पूर्ति हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, जो जो इच्छाएं हैं, जितना आप उसमें जोर लगाएंगे, जितनी प्रगाढ़ता के साथ आप योजना बनाएंगे, कल्पना करेंगे और शक्ति अपने विकसित करके उसको हासिल करेंगे, इसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाए, उसमें संभावना बढ़ जाएगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप सदैव। लेकिन अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो भी आप सफलता के द्वार तक तो पहुंच ही जाएंगे, यानी कुछ अन्य चीज तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। हीरे की कामना करेंगे और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, उसके लिए सारी योजना बनाएंगे, तो हीरा नहीं तो सोना तो मिल ही जाएगा, हीरा नहीं तो नीलम तो मिल ही जाएगा, पन्ना तो मिल ही जाएगा, मोती तो मिल ही जाएगा, यानी कुछ आपको तो मिलेगा ही उस पथ पर, क्योंकि आपके कर्म व्यर्थ नहीं जाते, आपके प्रयास, आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं व्यर्थ नहीं जाती है, ये परिणाम अवश्य ही कुछ देती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो दे ही देंगी और बेहतर देंगी। तो कल्पना आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिकल होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि तब वह सिर्फ वह कोई कल्पना नहीं होगी, वो ठोस कल्पना होगी, जिसका आधार होगा, जिसके पीछे आपकी पूरी शक्ति, पूरा चित्त लगा होगा, मन। तो हर एक चीज की रूपरेखा उस पर बनाइए, बाधाओं का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव चीज नहीं सोचनी है, क्योंकि एक नेगेटिव चीज आपको सारा खत्म कर सकती है, तो नेगेटिव कल्पना अनिवार्य है। आप जो भी फल चाहते हैं उसके विरुद्ध में एक बार खड़े होकर के भी आप सोचेंगे कि कैसे मुझे इसे असफल करना है, कैसे कोई मेरा विरोधी है क्या, या कैसे कोई इसको असफल कर सकता है। जब आप उधर से भी सोच लेंगे और उसकी भी पूर्ति कर देंगे तो सफलता की संभावना बढ़ेगी। खाली आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा, जैसे कि नए बच्चे सोचते हैं, युवा तुरंत तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि उनको कंपनियां वही से पढ़ा देती हैं, थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, तो उसमें वे नेगेटिव छोड़ देते हैं और वो कंपनियां जो है तो सब कुछ कैलकुलेशन की हुई है, वे आपका पैसा लेके भाग जाती हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, यानी थिंक रियलिस्टिकली, यथार्थ सोचिए और ठोस कल्पना बनाइए, हर दृष्टिकोण से उसको देखिए, हर एंगल से देखिए। एक परिपक्व व्यक्ति हर एंगल से देखता है उसको, हर कोण से देखता है, और उसके लिए कईयों से सलाह लेता है, सिर्फ अपने ही मन की कल्पना में नहीं रहता है। क्योंकि आपके पास बुद्धि है तो अन्यों के पास और भी बुद्धि है, जो अनुभवी लोग हैं उनके पास बुद्धि, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास बुद्धि है। तो आप जो है किसी भी काम को ठानने के पहले, कोई भी फल एक बार लक्ष्य बना लेने के पहले, आप उससे संबंधित सब जानकारियां और हर तरह के क्षेत्र के लोगों से जितनी अधिकतम जानकारियां हो सकती हैं उनको पहले सूचनाएं डेटा इकट्ठा करें, उनके अनुभवों को प्राप्त करें, उसके बाद जब आप कल्पना करेंगे तो आपकी कल्पना ज्यादा और बेहतर हो जाएगी और ज्यादा आपको सफलता के करीब ले जाएगी। तो आज इतना ही, ओम।